दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीबी व्हाट्सएप के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा जो जीबी व्हाट्सएप है वो फास्ट वर्क नहीं कर रहा है, हम किसी को मैसेज करते हैं तो जल्द मैसेज सेंड नहीं होता है या फिर हमें कोई मैसेज करता है तो जल्द हमें रिसीव नहीं होता है। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के साथ में, कहीं पर आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फिर ज्यादा देर करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर हमारी लेफ्ट साइड में हमारी स्मार्टफोन की होम स्क्रीन आपको यहाँ पर शो कर रही होगी। आज आपको हम कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे आपके जीबी व्हाट्सएप जो भी आप यूज करते हैं उसका स्पीड फास्ट हो जाएगा और आप आसानी से किसी को मैसेज सेंड करेंगे तो तुरंत मैसेज सेंड हो जाएगा और आपको मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ एक एक करके सारी सेटिंग्स के बारे में और आप इस चीज़ को जरूर आजमाइएगा और आप हमें कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हमारा जो है होम स्क्रीन शो कर रहा होगा हमारे यहाँ पर स्मार्टफोन का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आपका जो स्पीड होता है वो क्यों स्लो होता है, आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो स्पीड फास्ट है या फिर नहीं है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अपने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पर जाना होगा। चलिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा इंटरनेट स्पीड। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर सर्च करना होगा इंटरनेट स्पीड टेस्ट, यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है स्पीड टेस्ट बाय ओकला, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ से अपना इंटरनेट स्पीड पहली बार चेक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर चेक करता हूँ सबसे पहले अपना इंटरनेट स्पीड। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा और वेट करने के बाद जो आपकी इंटरनेट स्पीड होगी आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा इंटरनेट स्पीड है कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ऐसे आपको भी इसको चेक कर लेना होगा। चेक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो इंटरनेट स्पीड है आपको यहां पर शो कर रहा होगा, इसी प्रकार से आपको यहां पर चेक करना है। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से। चलिए यहां से मैं बैक होता हूं और बैक होने के बाद आपको यहां पर सेकंड नंबर जो चेक करना है आपको ये चेक करना है कि आपका जो जीबी व्हाट्सएप है ये लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं है। अगर आपका जीबी व्हाट्सएप लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अपने जीबी व्हाट्सएप को अपडेट जरूर कर लीजिएगा, तभी आपका जो इंटरनेट स्पीड होगा या फिर आप जिसको भी मैसेज करते हैं या फिर आपको जो मैसेज आता है वो जल्द रिसीव होगा और जल्द सेंड भी होगा। तो आपको इसको जरूर कर लेना होगा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो दूसरा तीसरा तरीका आपको करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन के आपको यहाँ पर जो पावर बटन होता है आपको उसको प्रेस करना होगा कुछ इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है रीस्टार्ट का ऑप्शन, आपको अपने स्मार्टफोन को रीस्टार्ट कर लेना होगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपका फ़ोन जो खुद ब खुद होगा वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे आपका जो यहाँ पर जीबी व्हाट्सएप होगा उसको आप ओपन कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको जो चौथा तरीका करना है वो आपको क्या करना है मैं भी वो बता देता हूँ। आपको यहाँ पर राइट साइड में थ्री डायल पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा एफएम मोड्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है एफएम थीम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स तो आपको इसको जरूर करना होगा, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है एफएम थीम्स, आपको यहाँ पर जो थीम्स होता है एक बार थीम्स चेंज करके देखिएगा। अब बहुत सारे लोगों को होगा कि इससे एफएम थीम्स से क्या होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको जो ये समस्या आ रही है काफ़ी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो आपको इसको जरूर ट्राई करना होगा, आप यहाँ से अपनी कोई एक थीम्स चेंज कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा करके। उसके बाद में हम आपको यहाँ पर जो बताने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर कीजिएगा। अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर करना क्या है, जो लास्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको लास्ट में क्या करना है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद भी आपका अगर इंटरनेट स्पीड फास्ट नहीं होता है, आपके व्हाट्सएप से मैसेज सेंड नहीं होता है या फिर आपको मैसेज रिसीव जल्द नहीं होता है, तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ से बैक खो लेना है। बैक होने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर जो आपका जीबी व्हाट्सएप होगा उसको यहाँ पर क्या करना है, प्रेस करना है कुछ इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है ऐप इन्फो, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे जाना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है स्टोरेज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है स्टोरेज यूजेज, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है आपको यहाँ पर क्लियर डाटा और सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है क्लियर कैच। आपको ध्यान में रखना है कि क्लियर डाटा आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पर करना है क्लियर कैच, आपको यहाँ पर क्लियर कैच पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
जैसे आप यहाँ पर क्लियर कैच कर देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद में आप यहाँ से बैक होंगे और बैक होने के बाद आप यहाँ पर अपने व्हाट्सअप पर जाएंगे। व्हाट्सअप पर जाने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है और आपको अपना यहाँ पर जो भी जीबी व्हाट्सअप होगा आपको यहाँ पर रीस्टार्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो भी जीबी व्हाट्सअप होगा वो फास्ट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। आप किसी को मैसेज करेंगे तो वहाँ पर तुरंत आपको मैसेज सेंड हो जाएगा और जो भी कोई आपको मैसेज करेगा वो भी मैसेज आपको फास्ट रिसीव हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।